हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम देखेंगे पेजिंग के अंदर काफी दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो पिछली बार हमने पेजिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या कहा था पिछली बार भी कि पेपर के अंदर कुछ आना है, इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा ही आएगा। तो पेजिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, वहां पे दो टर्म काफी उछल रही थी बार बार, लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस। तो आज के टॉपिक में एक तो हम ये डाउट पूरे अच्छे से खत्म कर लेंगे कि भाई लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे पेजिंग हार्डवेयर, जहां पे हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से हार्डवेयर को यूज करते हैं हमारा लॉजिकल एड्रेस हमारे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, या कैसे हम कह सकते हैं कि जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो वो आगे किस स्टेप्स को यूज करते हैं वो फिजिकल एड्रेस में हमें मिलता है। ठीक है, तो टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते देखिए, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको वैसे वैसे समझना, किसी और चीज पे नजर मत मारना जो काफी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो ये मेरे पास है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब मेरी हार्ड डिस्क जो हम लैपटॉप में उसमें होती है अलग से, ठीक है। अब इसके अंदर मान के चलते कि मैंने दो प्रोग्राम बनाए, एक तो सी लैंग्वेज का यूज करके, एक मैंने सी प्लस प्लस का यूज करके। ये मेरा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज को यूज करते हुए, सॉरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज करते हुए, जहां पे मैंने दो नंबर को ऐड निकाला है, सम निकाले दो नंबर का, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। देन मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज को यूज करते हुए, सेम प्रोग्राम है, दो नंबर को डालो और उनका सम निकालना है। ये सी प्लस प्लस का, ये सी का, ये मेरे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव है इस टाइम, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। देखो ये प्रोग्राम को कोई मतलब नहीं है कि ये कहां पड़ा है, जब ये प्रोग्राम बन रहा है और जब ये कंपाइल होता है, रन करते हैं हम इसको, तो उस बीच में क्या चीज होती है, उस बीच में लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, उसका मीनिंग क्या है। यहां पे क्या करते हैं, मान लो कि प्रोग्राम जो है ना हर एक लाइन को, हर किसी एक लाइन को क्या मान रहा है, इंस्ट्रक्शन मान रहा है, ठीक है जी। ये पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, 11 इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर। ये हर एक इंस्ट्रक्शन को एड्रेस दे देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। हमने क्या कहा था, वर्चुअल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, या हम उसे प्रोसेस का एड्रेस कह सकते हैं। ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसे मैं प्रोसेस कह रहा हूं और उसका इंटरनल एक एड्रेस है। इस प्रोग्राम में जब कंपाइल हुआ तो क्या किया, हर इंस्ट्रक्शन को एक एड्रेस दे दिया, ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। अब देखो काम कैसे करेगा, ये लॉजिकल एड्रेस दे दिया, इसका एड्रेस है देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है जी। ये लॉजिकल एड्रेस एक प्रोग्राम ने, एक प्रोसेस ने जब कंपाइल हुआ तो अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको दे दिया, ठीक है जी। सेम यही तरीका क्या होगा, इसके अंदर होगा कैसे, देखो इसको लॉजिकल एड्रेस देना है, सेम इंस्ट्रक्शन 0 से चालू होगी, यहां पे ये नहीं कि 10 हो गया तो उसके आगे 11 देंगे, नहीं, ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो क्या करेगा कंपाइलर, इनको हर इंस्ट्रक्शन को एक एड्रेस दे देगा, ठीक है जी। उसको नहीं पता प्रिंट एफ क्या होता है, उसको नहीं पता स्कैन एफ क्या होती है, वो तो क्या करता है, जो हमारी असेंबली कोड आएगा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होगी वो कहेगा गो टू दिस एड्रेस, दिस स्टेटमेंट, वो वहां चला जाएगा। तो वहां पे क्या हमारे लॉजिकल एड्रेस चल रहा है, देखो सॉरी पेन चेंज करता हूं, 0, 1, मैं इसको यहां लिख लेता हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है जी। इसमें टोटल 9 एड्रेसेस है, इसके अंदर टोटल 11 एड्रेसेस है, 0 को मिला के 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को पेजिंग का कंसेप्ट लगाना है कि मेरे को कहा जाता है क्या कि भाई चार चार क्या करो आप, के बी मान लो हर इंस्ट्रक्शन मेरी 1 KB की है, वो कहता है कि 4 KB का एक आप क्या करो भाई पेज बना दो, हर चार मतलब चार चार KB के पेज बनाते हुए चले जाओ, ठीक है जी। तो
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मेरे को ऑर्डर आ गया यहाँ पे कि भाई 4 KB के आप पेज बनाते चले जाओ, ठीक है जी। सारे से सारे प्रोसेस को हम 4 KB में डिवाइड करेंगे, पहला KB, दूसरा KB, तीसरा KB, चौथा KB, ठीक है जी। मेरा ये क्या बन जाएगा, एक पेज बन गया अलग से, ठीक है जी। पहला KB, दूसरा KB, तीसरा KB, चौथा KB, 4 KB हो गए। इसको उठाऊंगा मैं यहाँ पे और क्या करूंगा, लाइन लगा दूंगा जी, ठीक है जी। पहला KB, दूसरा KB, तीसरा KB, इसको अब चौथा KB देना है, ठीक है जी। इस 11 वाले एड्रेस पे क्या चीज पड़ी है, कुछ नहीं पड़ा, ब्लैंक पड़ा। तो 4 KB में डिवाइड हो गया। सेम करेंगे इसके साथ, देखो पहला KB, दूसरा KB, तीसरा KB, चौथा KB, 4 KB हो गए। इसको उठाया मैंने यहां से, सॉरी अभी ठीक करता हूं उसको मैं, ठीक है जी। 4 KB हो गया आपके पास। अब पहला KB, दूसरा KB, तीसरा KB, चौथा KB यहां पे लगा देंगे लाइन। अब क्या होगा, ये है 8वां, अगर नीचे की स्क्रीन नहीं दिख रही मैं अभी आपको दिखा देता हूं बना के, ये 8 के बाद 9, ये 10, ये 11, ठीक है जी। स्क्रीन दिखा देता हूं एक बार मैं आपको, क्योंकि बोर्ड थोड़ा कम था, देख लो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। 4-4 के उसके अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ओके। अब आगे चलते हैं कि इसका प्रोसेस फंडा क्या कहता है। अब हमें क्या करना है, इनको पेजेस नंबर प्रोवाइड करने, ठीक है। ये गलत लिख गया मैं, सॉरी, ये फ्रेम नंबर नहीं, पेज नंबर है, ठीक है। और ये क्या, ये भी मेरा फ्रेम नंबर है। अब देखो मुझे इनको पेज नंबर देना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, P0, P1, P2, ठीक है जी। इसके खत्म हो गए, दूसरे को फिर से करेंगे। इसके लिए P0 पहला पेज है, ये P1 और ये P2। आप कहोगे सेम नंबर कैसे डाल सकते हो, ऊपर भी P0 नीचे भी P0, कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको एक चीज याद होगी, जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसकी एक ID जनरेट होती है, ठीक है। उस आईडी के अंदर वो यूनिक आईडी क्या करती है, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो प्रोसेस का कोई ना कोई आईडी तो जनरेट हुआ होगा। मान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है हमारा, इसका आईडी मान लो कोई नाम रख लेते PR7, ठीक है जी। और ये बिलोंग करता है PR11 को, ठीक है जी। अलग से यूनिक आईडी दे दी, नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं, इस सेकेंडरी मेमोरी का अपना भी तो कोई एड्रेस होगा, नहीं होगा भाई। हमने मान लिया एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर लिया, ठीक है, बट इसका अपना भी तो कोई एड्रेस होगा। मान लेते हैं कि इसका जो ये वाला एड्रेस है जो मैंने डिवाइड किया है, ये है 2009, फिर 2010, 2011, 2012, ठीक है जी। 4 एड्रेस आ गए। सेम आगे बढ़ते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है जी। सेम 4-4 करते जाएंगे, 29, ओके। ये मेरा क्या सेकेंडरी मेमोरी का जो एड्रेस है, ये वो है। एक प्रोसेस ने अपना इंटरनल लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया इंस्ट्रक्शन वाइज, वो ये है। ये पेज नंबर का क्या है, नंबर है, पेज नंबर के नंबर है, ठीक है जी। ये उनकी आईडी है कि PR7 के अंदर P0, P1, P2 पेज नंबर है, PR11 प्रोग्राम प्रोसेस के अंदर P0, P1, P2 पेज नंबर है। इतना काम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि जहां पे भी मेन मेमोरी में जगह मैंने इन ब्लॉक्स को उठाया, इन पेजेस को उठाया और उनके फ्रेम में ट्रांसफर कर देना, जहां पे भी जगह मिले डाल दिया। मानते हैं कि देखो ये वाली चीज जो है मेरी हैश इंक्लूड, पहले वाला P0 मेरा कहां पे गया, देखो इसके अंदर पहले मैं फ्रेम नंबर डाल देता हूं सबके, ये F0, F1, F2, F3, F4,
F5, ठीक है, ये फ्रेम है मेरे पास टोटल मिला के 6। अब देखो फंडा क्या है, हैश इंक्लूड वाला, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेज टेबल बनाते हैं। यहां पे हम ये पेज टेबल मान लो कि PR7 का है और ये पेज टेबल PR11 का है, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पे पेज टेबल के अंदर क्या चीज होती है, ये P0, ये P1 और P2 एंट्री होती है, जितने पेजेस उसके नाम लिख देंगे। सेम यहां पे P0, P1, P2, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या करना है हमें, फ्रेम नंबर मिल गया, अब हम देखेंगे scanf, ये वाला जो पेज है वो कौन सा है। देखो scanf, ये वाला मेरा पेज है P1, ठीक है जी। P1 किसको बिलोंग करता है, एक एक कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको ऐसे पकड़ते हैं। चलो पेज जीरो मतलब मेरा PR7 का पेज जीरो, ये कहां पे है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये है F4 पे, फ्रेम पे, पेज जीरो PR7 का, पेज जीरो PR7 का कहां पे है, F4 के अंदर। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, F4, ठीक है जी। आगे चलते INT AB sum, ये रहा यही चीज है जी, ठीक है जी, यही है। मतलब PR7 का P1 कहां पे मेरे पास, F2 में, ओके। आगे चलते P2, PR7 का P2 यानी C out sum वाला F1 के अंदर, भाई पेज टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट चलते PR11 के लिए, देखेंगे कि उसका पेज जीरो कहां पे है, हैश इंक्लूड एसटीडीओ F5 के अंदर, तो P0 F5 में गया हुआ है, ठीक है जी। PR11 का P1 कहां गया हुआ है, PR11 का P1 स्कैन वाला, ये वाला है वो F0 में गया हुआ, P1 गया हुआ है F0 में, ठीक है जी। अगला चलते हैं कि ये वाली हमारी कहां गई हुई है, F3 में, PR11 की P2 वाली F3 में गई हुई है। मेरा पेज टेबल क्रिएट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले लगाएंगे और एड्रेस निकालेंगे कि भी कैसे निकलता है। देखो मुझे मान लो कि रिक्वायरमेंट आई अभी इस वाले की, ठीक है जी, ये क्या है मेरा लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 6, ठीक है, सीपीयू ने क्या जनरेट किया अभी मेरे पास, ये आगे गया और 6 जनरेट किया। मेरे पास फॉर्मूले देख लो और एक बार टर्म समझ लो, जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, जिसे हम एल कहते हैं, LAB कहते हैं, वो हमारी दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है स्मॉल पी कॉमा डी, इन दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। स्मॉल पी होता है पेज नंबर और डी होता है ऑफसेट, मतलब कि एक एड्रेस के अंदर हमें किस बंदे से मिलना है पर्टिकुलर, वो चीज है। अगर मैं इस पेज में घुस जाऊं तो अंदर जाके किस इंस्ट्रक्शन से काम है मुझे, वो मेरे क्या होगा, ऑफसेट, उसका इंटरनल एड्रेस, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, पी कैपिटल पी होता है पेज साइज, यहां पे देखो पेज साइज क्या है, कैपिटल पी है मेरे पास पेज, पहले सॉरी आज साल स्केच पेन खत्म हो गया, यहां पे मेरे पास कितना है, मान लो 4 KB का है, ठीक है जी। अभी इसके अंदर एक छोटी सी चीज मिस कर गए हम गलती से, मैंने इनकी एड्रेसिंग नहीं करी अभी फिजिकल एड्रेस, तो इसको भी एड्रेस दे देते हैं, मान लेते हैं 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6, ठीक है जी, 26 27 28 29 और 30, ये एड्रेस हमने दे दिए, ये क्या मेरे फिजिकल एड्रेस है। अब देखो काम कैसे होगा, सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस। मुझे पता ये लॉजिकल एड्रेस दो चीजों से मिलके बना, स्मॉल पी और डी, स्मॉल पी पेज नंबर और डी मेरा डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट एड्रेस। इस 6 को उठाऊंगा मैं, देखो एक 6 को उठाऊंगा, फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अब ध्यान से, फॉर्मूला कहता है कि आपको इसमें से अगर लॉजिकल एड्रेस में से पेज क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो आप क्या करो, LDP
यानी सिक्स डिवीजन पी, पी क्या है फोर, जो कि क्या आएगा मेरे पास क्वेश्चन देगा जो कि आएगा वन, ठीक है जी, वन मेरे पास आ गया, जिसका मतलब क्या हुआ पी वन, ठीक है जी, पेज वन मेरे को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है इसके अंदर कि अब आपको क्या निकालना है, डी, डी का फॉर्मूला देख लो, डी इज इक्वल टू एल मोड पी, सिक्स मोड पी के मेरे पास चार, जो कि क्या देगा रिमाइंडर देगा, जो कि क्या आया टू, टू क्या हो गया इसके अंदर कि तीसरे प्लेस पे जाना है, जीरो वन टू, ये ऐसी तो काउंटिंग होती है, जीरो वन टू थ्री ऐसी तो हमने किया, जीरो वन टू थ्री ऐसी तो डिवाइड करते हो गए, तो अंदर तीसरी आइटम। अब क्या होगा देखो, लॉजिकल एड्रेस यहां पे गया, इसको मान के चलो अब कि मेरे पास आया था सिक्स, ठीक है जी, ये गया सिक्स, ये डिवाइड हुआ पेज नंबर और डिस्प्लेसमेंट जिसे हम क्या सकते ऑफसेट, पेज नंबर आया पी वन, यहां पे क्या काम करेगा मेरा प्रोसेस की आईडी, ये प्रोसेस किसको बिलोंग करता है पीआर सेवन, पीआर सेवन के कहां जाएगा पेज टेबल में जाएगा, ठीक है जी, इस पेज टेबल के अंदर क्या चीज लेके जाएगा ये स्टैम, यहां पे लेके जाएगा जो हमारे पास वैल्यू आई है पी वन, ये पी वन के पास जाएगा, ठीक है जी, पी वन पेज नंबर हमारे पास क्या आया पी वन आया था, यहां पे गया पी वन के अंदर देखा एफ टू, भाई एफ टू मिलना है, एफ टू के पास जाएगा, ये आगे क्या हुआ इसके पास क्या चीज आ गई वन कोमा में टू, ठीक है जी, आगे गया, अब ये आगे जा रहा है, यहां से इसको क्या मिला फ्रेम नंबर मिला इसको यहां से, ठीक है जी, अब ये चीज क्या करेगी फ्रेम नंबर मिल गया एफ टू, इसका एड्रेस मिल गया अपनी मेमोरी के अंदर एफ टू मिल जाएगा, इसको एफ टू को जोड़ेगा और किसको जोड़ेगा टू को जोड़ेगा, ठीक है जी, F2 के अंदर जाएगा, ये F2 ही है ना, देख लेते एक बार P1 is going to, ये हमारा IIT, हाँ यही है, ठीक है, अब F2 को पकड़ेगा, F2 का एड्रेस तो यहां पे मिल जाएगा, F2 का एड्रेस क्या है यहां पे 4017 इसको यहां पे मिल गया, क्यों, क्योंकि F2 है, F2 यहां पे सर्च करेगा अपनी मेमोरी में कहां पे बिलोंग करता स्टार्टिंग एड्रेस, सॉरी स्टार्टिंग एड्रेस इसका क्या है 4015, ठीक है, ये अलग एड्रेस लेगा, उसके अंदर कितने जोड़ने इसको दो प्लस में टू 4017, अपनी मेमोरी में देखा 4017 इसकी डिमांड आई है सीन की, देखो सीन की डिमांड आई थी, तो मेरा एक तरीके से जो लॉजिकल एड्रेस था वो किस तरीके से कन्वर्ट हो गया भाई फिजिकल एड्रेस में, देख लो सीपीयू ने जनरेट किया सिक्स लॉजिकल एड्रेस सिक्स, सिक्स क्या हुआ आगे कन्वर्ट हुआ पेज नंबर निकाला उसका हमने इससे सिक्स डी फोर लगा के, आया मेरे पास वन, वन मतलब पेज वन, वो जाएगा अपने प्रोसेस टेबल के अंदर, पेज टेबल के अंदर पी आर सेवन को बिलोंग करता था, पी वन, पी वन से उसको मिला एफ टू, एफ टू उसको दिया मेमोरी में एड्रेस निकला एफ टू का मेरे पास 4015 के अंदर ये डी जो डिस्प्लेसमेंट थी मेरी कितनी आई थी टू, इसको ऐड किया तो क्या गया 4017, अपने मेमोरी में जाएगा 4017 को निकाल के आगे ट्रांसफर कर देगा। ये था मेरे पास पेजिंग, पेजिंग के अंदर कि किस तरीके से पेजिंग हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस काम करते हैं। आई होप आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या था, ये किस तरीके से चल रहे थे, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे हम पेजिंग के थोड़े से कंसेप्ट को और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर बाय, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक्स।